हमारे वहाँ ना ऐसा होता है कि पढ़ाई कंप्लीट कराई देन दे प्रेफर कि अच्छा अब लड़की को सेटल कर दिया जाए, शादी कर दी जाए. कभी सोचा नहीं था ना. आई वॉज डूइंग माई लॉ. मैं अभी बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी कि आगे कहाँ देखेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी बहुत जगह बातें चल रही हैं कुछ जगह. सबसे पहले तो एक अलग ही अंदाज में आप नज़र आ रही हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो. किस चीज़ के लिए ये लुक है? सो इट्स फॉर अ कैलेंडर शूट जो हमने अभी ख़त्म किया है शूट हमारा. एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इट्स फॉर अ कोज एंड कॉज का नाम है वॉइस ऑफ नो वॉइस. सो यू नो हम हमेशा से ही सुनते आए हैं बचपन से ही लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ. मेरे घर में तो हम दो दो बहनें हैं, तो मेरे मम्मी पापा ने तो हमें दोनों को हमने जो करना चाहा हमेशा से वही करने दिया है. सो हमें लगा कि क्यों ना जब हमारे माँ बाप ने हमें हर चीज़ की इतनी आज़ादी दी है सब करने की एंड यू नो इतना आगे बढ़ने को हमेशा मोटिवेट किया है, तो क्यों ना हम बाकी ऑडियंस को हमारी मोटिवेट करें, जागरूक करें कि जो जितना लड़कियों को ऐसे सोचा जाता है कई परिवारों में, तो मैं सुनती हूँ आज भी कुछ शहरों में कुछ जगहों पर ऐसा माना जाता है कि यार हर लड़की हुई है उनके घर में लड़का हो जाता, तो वो सोच बहुत अच्छी नहीं है. तो हमें लगा कि क्यों ना सबको जागरूक किया जाए. सो इस फोटोशूट के साथ हमने एक ये पहल की है. गुड्डन को कितना मिस कर रहे हो आप? आई एम श्योर मिस कर रहे होंगे, फैंस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. उन्हें कहना चाहेंगे कि आगे कहाँ देखेंगे? मैं अभी बिल्कुल नहीं बता पाऊँगी कि आगे कहाँ देखेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आई एम कि मतलब बहुत जगह बातें चल रही हैं कुछ जगह. एंड जो भी कुछ करूँगी डेफिनेटली आप सबको बहुत पसंद आएगा. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप सबको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करूँ. एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि यू नो हम एक इमेजिन करके बैठे होते हैं कि ये इसको हम ऐसे रूप में देखना चाहते हैं, तो मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करूंगी. एंड जल्द ही आपकी टीवी स्क्रीन्स पे आऊंगी. म्यूज़िक वीडियो के बारे में प्लीज़ बताइए. या सो एक म्यूज़िक वीडियो आ रहा है. सो जिस दिन हमने गुड्डन का शूट रैपअप किया था उसके नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर दिस म्यूजिक वीडियो विच इज़ हरियाणवी फॉर अ चेंज. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट हरियाणवी प्रोजेक्ट आई हैव डन एंड आई रियली लाइक्ड इट. आई होप दैट यू विल लाइक इट टू. अच्छा फैंस, उन फैंस को क्या कहना चाहेंगे यू नो जिन्होंने आपकी 3 साल की ऑन स्क्रीन साथ दिया है, आपके लिए कितना मुश्किल रहा एक्टिंग में यू नो कदम रखना बिकॉज यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड? या मुश्किल वाहेगुरु नहीं रहा, मुश्किल मतलब ऑफ कोर्स चैलेंजिंग था क्योंकि कभी सोचा नहीं था ना. आई वाज डूइंग माय लॉ. सो जब मैंने गुड्डन साइन किया था उस टाइम पे मैं अपने मास्टर्स ऑफ लॉ के फर्स्ट ईयर में थी, तो 1 साल और बचा था. पेरेंट्स को हमेशा से बहुत बहुत सपोर्ट नहीं करते थे. आई मीन दे वर ओके बट दे वर नॉट लाइक कि अच्छा सब कुछ छोड़ के एंड तुम उधर चली जाओ. दे वर नॉट लाइक दैट. तो एंड क्योंकि आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो हमारे वहाँ ना ऐसा होता है कि पढ़ाई कंप्लीट कराई देन दे प्रेफर कि अच्छा अब लड़की को सेटल कर दिया जाए, शादी कर दी जाए. सो वही माइंडसेट चल रहा था मेरे पेरेंट्स का भी, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर हो जाएगा, देन दिल थिंक अबाउट मैरिज एंड ऑल. तो जब फिर गुड्डन साइन किया तो थी थोड़ी सी मुश्किलें, सबको बहुत समझ नहीं आ रहा था कि कैसे, लेकिन आई थिंक होना ही था. सो दैट्स मेरी तो इस चीज़ की वजह से ना डेस्टिनी में भी बिलीफ और ज़्यादा बढ़ गया है कि जो लिखा होता है ज़रूरी नहीं है कि वो प्लान किया हो तभी होता है. कई बार बस जो होना होता है हो जाता है. यू नो वाहेगुरु कुछ ज़्यादा बेटर प्लान्स लेके बैठे होते हैं हमारे लिए कि अच्छा तू इत्थे जा इत्थे ज़्यादा बढ़िया होगा. तो वैसा ही कुछ हुआ. बट मैं बताऊँ ना कि जितने लोगों को डर लग रहा था, जो कि फियर्स होना मतलब होता ही है माँ बाप को रिश्तेदारों को, क्योंकि हमेशा से अपने बच्चों को ऐसे रखते हैं वो लोग, तो एक फियर होना कि वो पता नहीं कैसा होगा कैसा होगा, तो वो फियर्स उनके सब खत्म हो चुके हैं. अभी ऐसा होता है कुछ चीज़ों में मैं सोच रही होती हूँ, वो पीछे खड़े होते हैं कि जा जा. सो यस बहुत चेंजेस आए हैं.